Hey guys, welcome back to our channel. I hope you guys are doing fine. And Neha ka first trimester pura ho gaya. So today is the first official sonography weekend. Say it's going to be the longer one. डॉक्टर ने बोला एक घंटा लगेगा वहाँ पे डिटेल में यू नो बेबी के बारे में विल सी कि हाउ द ग्रोथ इज हैपनिंग द ब्रेन एंड एवरीथिंग अबाउट द पार्ट बॉडी पार्ट्स एंड रेस्ट. इवन मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, हमने काफ़ी पढ़ा है, बट लेट्स सी. आई डोंट नो हॉस्पिटल के अंदर वो शूट करने देंगे. लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया था जब नेहा का फर्स्ट सोनोग्राफी हमने करवाया था. बट आई सी, अगर आज आई ट्राई टू कन्विंस देम दे अलाउ मी टू गो इनसाइड, अदरवाइज आई जस्ट वेट फॉर नेहा आउटसाइड. बट मैं नेहा को बोलता हूँ कि तू अंदर जाके बोला कर कि मेरे को बुला लो, मुझे no, you're supposed to insist. Yes, yeah. Guys, so let's hope everything should be fine and let's see what happened, guys. So guys, this is like an important milestone in any pregnancy, completing the first trimester. Now I don't want to say we completed it, we'll only be able to say it after the sonography is fine. So I'm super nervous. I just hope everything comes out to be fine, but I'm also excited to see the baby. But let's see, I just hope everything is fine and we'll update you after the scan. So just pray for us and let's hope everything goes well. So guys, sonography almost ho gaya hai. Everything is fine and doctor said everything is bilkul perfect. Abhi hum jayenge doctor se milne, just consultation ki aage ka kya karna hai, kya precaution lena hai, क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी है जस्ट टू टेक केयर एंड सो दैट सब कुछ सही रहे आगे भी. सो अभी नेहा का वेट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए. सो वंस नेहा शी कम्स देन हम जाएंगे डॉक्टर से मिलने. विल कीप यू अपडेटेड एंड यस एवरीथिंग इज़ फाइन. ये फाइनली आज हमें परमिशन मिल गया डॉक्टर से दैट वी कैन शेयर दिस गुड न्यूज़ विद सम ऑफ आवर क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड वी डिड जस्ट दैट. और एज एक्सपेक्टेड दे वर सुपर सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड उन्होंने बोला कि उन्हें अभी मिलना है, तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने. एंड या वी आर ऑल्सो सुपर एक्साइटेड टू सी देम आफ्टर रियली लॉन्ग आफ्टर द लॉकडाउन एंड विद दिस गुड न्यूज. सो यस, इट्स गोना बी स्पेशल. कांग्रेचुलेशंस. अरे नहीं, मैंने उसको बोला कि कांग्रेचुलेशंस. खुशी खुशी खुशी. सोना कैसा फील कर रहे हो तुम? मतलब सुनो, मैंने नहीं बताया इसलिए क्योंकि मुझे लगा ये सबको. सोना यार, सोना क्या हुआ? सोना को बताओ, मैं सोना का रिएक्शन शूट करना है. क्या हुआ? बेबी होने वाला है यार. तुम्हारे खेलने के लिए एक और टॉय आ रहा है. लाइव टॉय. अब तुम बता दो मैं कैसा फील हो रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा और आगे बोलो. आगे आगे नहीं बोलूंगी. इधर आओ आगे. वी वर एक्सपेक्टिंग सिंस सो लॉन्ग. इधर आ. वी वर एक्सपेक्टिंग सिंस सो लॉन्ग. वी आर सो हैप्पी. ओह माय गॉड, आई एम सो सरप्राइज. सो दिव्या का ये दिव्या बताओ ना कैसा लगा न्यूज़ सुन के. गुड न्यूज़. गुड न्यूज़. इसको पर इस पे प्रेशर ना बेबी ना पातुला. Okay guys, so it took us I think almost 4 to 5 hours for this scan. It was a really big one. So they wanted to take some measurements. So they wanted the baby to be in a particular position जो ले नहीं रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा time लग गया. But thankfully everything is good, everything is okay. So we are like really really relieved. So now we can officially say that yes, I've completed my first trimester and now we have entered the second trimester. The scan was good. Doctor said it's all good till now. So yeah, keeping our fingers crossed. I was really nervous, but yeah. Yes, now ab jo next sonography that is on, I guess kaun se week mein hai? 19th to 20th. 20th week mein hai abhi. So let's hope sab acche se rahe, but sab acha hi rahega. You know, always be positive in life. Kabhi bhi aap हमेशा पॉजिटिव रहो, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो किसी के हाथ में नहीं है गाइस. सो
आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दिस थिंग टू एवरी वन की अगर आप में से कोई भी इस फेज में है, अभी है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कभी स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज ये ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, ये ऊपर वाले के हाथ में ये चीज़, तो दिस इज नॉट समथिंग कि हम बोलें कि हम ये करेंगे उससे ये ठीक हो जाएगा या ये करने से ये ठीक होगा. डेफिनेटली जो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वो रखना ही है, बट देन दिस इज नॉट इन अवर हैंड, इट्स इन गॉड्स हैंड. जो भी होगा वो उनकी मर्जी के उसके अकॉर्डिंग ही होगा. ओके, सो इट्स जस्ट द वन थिंग दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट्स इट. And also guys, just one thing, as fitness trainers and as something that we're experiencing personally, please keep moving throughout your pregnancy. Don't just give up everything. Yes. If you're a complete beginner, if you've never worked out before, then it's completely okay to take it easy. You can just go for normal walks and all. But if you've been working out before, like for us, we've been working out. If you guys have been working out before, then please continue your workouts. Yes, you can scale the intensity down. As I said in my last video, the Fit in 15 series was shot in my first trimester. So wo jo modifications hain, you can always do that. They're completely safe to be done. But again, listen to your own body, take it easy, but please consult with the doctor first and then do it at your own risk. I'll say in cheezon mein apna thoda sa, but it's always good to work out, it's always good to be active and keep working out. And don't worry about weight, this is not the time for thing about weight loss, but we need to keep working out primarily to have a strength in the body and for, you know, prepare for the delivery and labor which is going to come ahead. So yeah, keep moving, that is very 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 important. So guys, if you all have any questions related to your first trimester, feel free to ask in comments. So yes, we'll be happy to answer all of them now that we have a bit of experience. So we are no experts, but yes, definitely we have some experience and we've done some study during the process. We've tried to understand as much as possible. So yeah, feel free to ask any questions that you have and yeah, stay positive. If you like the vlog till now, please make sure you hit the like button and subscribe to our channel, because we'll be sharing a lot of further our pregnancy journey, some pregnancy related workouts, some safe workouts that you can do, and of course some very interesting vlogs coming soon. So make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon. Till then, stay safe and we'll see you in our next vlog very soon.